नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, देश में अराजकता जे की फैले तो इस पर जे की अंकुश लगाने सबसे बड़ी अहम चीज होती है। लेकिन जब सरकार ही जे की ऐसे जे की अराजकता को अंजाम दे तो किस नतीजे पर जे की लोगों का विचार पहुंचता है, इस पर जे की क्या उचित होना और क्या अनुचित होना, इस विषय पर जे की एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। दोस्तों, अगर एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन में कोई भी ऐसा व्यक्ति भजन कीर्तन या नमाज अदा को नहीं कर सकता है फ्लाइट के दौरान, इस पर जे की एक नियम है। लेकिन उसमें जे की अयोध्या जाने वाली अनेकों ट्रेन में भजन कीर्तन करते देखा गया, जय श्री राम का घोष करते देखा गया। लेकिन वहीं जब दिल्ली के सड़कों के किनारे, जब ठीक उस दिन शिवरात्रि भी था और उसी दिन ये कि शुक्रवार जुम्मा की नमाज भी थी, तो उस दिन ये कि मस्जिदों में काफी भीड़ होने की वजह से जब सड़क के किनारे ये कि कुछ लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस ने लातों से ठोकर ये कि मारना स्टार्ट कर दिया और जबरदस्ती जे कि इतना जे कि जोरदार जे कि लात मारती पुलिस नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति जे कि तिलमिला जाता है। इस पर किस प्रकार के ऑप्शन जे किस प्रकार का एक्शन जे कि लेना जरूरी बनता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब प्रशासन आपके हित का काम करती है और प्रशासन ही आपको जब लात मारना स्टार्ट कर दे तो इस विषय पर जे की सोचना समझना बड़े जे की लाजमी बात है जे की बन जाते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, देश में जिस भी तरीका का अराजकता को अंजाम दिया जा रहा हो, मोदी जी 400 सीट की बातें करते हैं लेकिन हर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जे की चले जाते हैं, तो क्या यह लात मारने वाला जब किसी कोई व्यक्ति सजदा करता है, कोई व्यक्ति पूजा करता हो, तो क्या हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा या उसमें जे कि मुसलमान अपना सजदा करता है तो उसको लात मारा जाएगा। लात मारने वाला वीडियो जे कि दिल्ली की है, आप जे कि बहुत जोरों से जे कि यह खबर जे कि चर्चा का विषय जे कि बना हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी खबर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, यह बात जो कि लोगों की समझ से जो कि परे है। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर जो कि नमाज पढ़े तो उसे जो कि लात मारी जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति शिवरात्रि के अवसर पे या किसी भी जो कि धार्मिक अनुष्ठान पे जे कि ज्यादा जे कि उसमें जे कि उल्लंघन जे कि करे तो उसे जे कि क्यों नहीं जे की जाती है इस प्रकार से दुर्व्यवहार। इसके पीछे का सबसे बड़ा जे कि रीजन हिंदुजम को जे कि बढ़ावा देना जे कि है और मुस्लिम जन को जे कि प्रताड़ित करना जे कि दिखाई देता है। इसमें तमाम जे कि सोशल मीडिया के पत्रकार इस बात को दिखाएं, लेकिन कल दिन भर और अभी तक किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जे कि यह खबर नहीं दिखाई गई, इसके पीछे क्या रीजन है, जनता इसका जवाब देगी। आप 400 सीट की बात करते हैं तो 400 सीट ये कि आप जीत के लाएंगे यह अच्छी बात है, लेकिन एक बात जे कि जरूर बताएं कि 400 सीट जे कि किसी के पिछवाड़े पर जे कि लात मारकर जे कि लेंगे या उससे प्रेम से जे कि उसका जे कि वोट लेकर के जे कि आप 400 सीट जीतेंगे, क्या देश में जे कि मुस्लिम को रहने का जे कि अधिकार हक नहीं है? अगर जे कि हक है तो उस साहब को क्या अंजाम होगा जिसने जे कि सजदा करते वक्त जे कि लोगों पर जे कि लात जे कि मारी थी, या उसे आप डांट सकते थे, उसे जे कि बोल सकते थे कि यहाँ आप नहीं ये सब कर सकते, लेकिन डायरेक्ट ये कि पुलिस आती है और ये कि लात मारती है, तो क्या इससे मुसलमानों को दिल पर ये कि आहत और चोट नहीं पहुंचती है, जिससे जिस देश में ये कि रहते हैं, जिस देश के लिए ये कि अपना सर्व सब कुछ ये कि किए और वही आज ये प्रशासन के द्वारा ये कि लात खा रहे हैं।
क्या यह खबर ये कि आपको विचलित नहीं कर सकता है? अगर विचलित करता है तो दोस्तों आप ये कि हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस प्रकार का अगर शासन और प्रशासन और ये कि राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार के वहाँ ये कि बल काम करती है दिल्ली में, जो केंद्र सरकार की पुलिस अमित शाह की पुलिस जब इस तरीके के अंजाम दे रही है, तो क्या अमित शाह के लिए लोगों के दिल के अंदर जगह बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? दोस्तों आप जहां भी कहीं से जे के हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर जे की सपोर्ट करें। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस तरीका के अंजाम दे करके और उसके बावजूद भी जे कि 400 सीट की जे कि आंकड़ा को पार कर जाती है बीजेपी, तो आप जे कि समझ लेना कि जब आपने वोट अपना नहीं दिया है और उसके बाद भी जे कि 400 सीट जे कि पार करती है तो कितनी बड़ी जे कि दुर्भाग्यपूर्ण की बात होती है। किसी को विरोध करने का और किसी को जे कि किसी प्रकार से उल्लंघन जे कि करने का अधिकार जे कि नहीं है, लेकिन आप करें तो लीला और दूसरा करे तो समस्या उत्पन्न करने वाला विषय, यह जे कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंदू अयोध्या की यात्रा पर है तो वह जे कि भजन कीर्तन करते, जबकि एरोप्लेन में जे कि ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोग तमाम जे कि वीडियो देख सकते हैं जिसमें जे कि अयोध्या जाने वाला हर व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगाता है, वो भजन कीर्तन करते प्लेन में एरोप्लेन में जाता है, जबकि सड़क के किनारे नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति को लात मारा जाता है। यह है जे कि डिजिटल इंडिया और यह है जे कि मोदी सरकार की मोदी की क्रांति। तो इस पर जे कि आपकी क्या राय है आप अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।